बस तेल में आप ये दो चीज़ें मिलाकर लगा लीजिए और यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपके भी बाल ऐसे ही लंबे घने मजबूत हो जाएंगे। आपके बालों को देखकर हर कोई आपसे पूछेगा कि आप अपने बालों में ऐसा क्या लगाते हो कि आपके बाल ज़मीन को छूने लगे हैं। तो बस आपको अपने तेल में ये दो चीज़ें मिलाकर लगानी है और फिर देखिए आपके बाल इतनी तेज़ी से लंबे घने होंगे, आप खुद भी हैरान हो जाओगे और पास पड़ोस के लोग भी हैरान हो जाएंगे। बहुत ही पावरफुल हेयर ऑयल है, ना इससे बाल झड़ेंगे ना टूटेंगे, साथ ही बाल सिल्की शाइनी स्मूथ भी होंगे और बालों की लंबाई तो दोगुना तेज़ी से बढ़ने लगेगी। बस आपको इसे बनाना आना चाहिए ठीक तरीके से और जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है मैं पूरा इस वीडियो में बता रही हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी वाला बटन दबा देना है जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपके लिए ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोज बनाकर लाती रहती हूँ। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना आप कहाँ कहाँ से मेरे वीडियोस देखते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है यार जब आप कमेंट करते हो। और आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, आपके मन में कोई भी सवाल जवाब है, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो क्योंकि मैं आपके हर सवाल का आंसर करने के लिए बिल्कुल तैयार रहती हूँ और कोशिश करती हूँ पूरी पूरी, ठीक है। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, इस पावरफुल हेयर ऑयल को बनाना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है तिल का तेल, ठीक है। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, सरसों का तेल या फिर कोकोनट ऑयल, कोई भी ऑयल ले लीजिए आपके पास जो भी है। लेकिन अगर आप तिल का तेल ले लें तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि तिल का तेल जो होता है बालों को बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, सिल्की शाइनी स्मूथ करता है। फिर आपको लेना है अदरक, अदरक आपको पील कर लेना है, छील कर, ठीक है, छील कर इसे कद्दूकस करना है और कद्दूकस करके इसका आपको जूस निकाल लेना है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि अदरक जो होता है ना बालों को बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, रीग्रोथ करता है, स्किन में जमी हुई गंदगी को साफ करता है। फिर आपको क्या करना है, आपको लेना है एक विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई बालों को चमकदार बनाता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हेयर को रीग्रोथ करता है। अब इन तीनों को आपको अच्छे से मिक्स करना है। ये आपका पावरफुल हेयर ऑयल बनकर रेडी है। इतना ज़्यादा पावरफुल है फ्रेंड्स कि आपको ये फर्स्ट बार में ही अपना गजब का रिजल्ट दिखा देगा। ये आपके बालों को ना जड़ से मजबूत करेगा। आपके बाल में कोई भी इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है या डैंड्रफ है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दो मुए बालों की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप मेरी आवाज़ पे मत जाना क्योंकि मुझे थोड़ी सर्दी हो रही है। अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको इस ऑयल को अपने बालों की जड़ों में लगाना है, लगा अच्छे से 5 मिनट तक मसाज करनी है, लेंथ पे लगाना है और लगा करके आपको रात भर के लिए छोड़ देना है। अब आप रात भर नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको 2 घंटे नहाने से पहले, 2 घंटे पहले इसे लगाना है और लगा कर आपको 2 घंटे बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो लेना है, ठीक है ना। हफ्ते में आपको 2 बार इसी हेयर ऑयल से मसाज जरूर करनी अगर आप चाहते हैं आपके बाल तेज़ी से लंबे घने मजबूत हो, बालों का झड़ना टूटना बिल्कुल रुक जाए, तो आपको इसे हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाना है। आप फिर देखिए कमाल आपके बालों पर कितना जादुई असर होता है। और इसका ना कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप आराम से इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई साइड इफेक्ट करेगा तो आप आधा घंटे लगा कर देख लीजिए, फिर हेयर वॉश कर लेना, ठीक है। वैसे इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका हो तो आप कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बाय बाय, थैंक यू।